मैं धीरज और ये थी मेरी बेरंग सी ज़िंदगी। हर दिन मैं यही सोचता था कि सबकी लाइफ कितनी सिंपल थी, सिर्फ मेरी ही लाइफ में सारी परेशानियां आती थी। जैसे परवीन, अब क्या है, मेरी बस का टाइम हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हो? भांगड़ा करने आना है? नहीं, मुझे पता है आप ऑफिस जा रहे हो। तो जाने देना, एक शर्त पे जाने दो, आप मेरे लिए चॉकलेट लाओगे ना? हाँ लाऊंगा, अब जाने दे। बाय धीरज भैया। हे राधिका, व्हाट्स अप? तुम्हें मेरे कभी फॉरवर्डेड मैसेजेस नहीं मिलते? क्यों नहीं? बस वो कभी तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया इसलिए मैं। धीरज, मुझे ऐसे 100 मैसेजेस रोज मिलते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूं क्या? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि पढ़ तुमको। क्या धीरज भाई, नया शर्ट बहुत जच रहे हो? नहीं नहीं, शर्ट तो बुरा नहीं है, लगता है नया ब्रांड चला आया है। हां एग्जैक्टली। राधिका, तुम एक काम के लिए एक उजाला की बॉटल लाके क्यों नहीं इसको दे देती? शायद हमें कल तीसरा रंग देखने को भी मिल जाए। ऑल द बेस्ट। अरे मिस पटेल, जरा मेरी एडवांस सैलरी का एप्लीकेशन देख लेना ना, थोड़ा अर्जेंट है। ठीक है, मैं चेक करके आऊंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। कैसे चुका? मैं जानता हूँ कि वो पे करना जरूरी है, लेकिन आपको भी मालूम है ना कि मेरी लोन पे करना कितना जरूरी है। देखो एक काम करता हूँ, कल जैसे मुझे एडवांस सैलरी मिलती है ना, मैं सबसे पहले आपको भेज दूंगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। अरे सुन, मुझे पता चला है कि जयेश चाचा हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, तो तू जरा उनसे मिलाना। ठीक है? अब देख, मना मत करना। मां आपको मानते हैं मुझसे मिलना जुलना नहीं होता, और मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम भी नहीं है। उनका घर सामने ही तो है, और तुझे उनकी वजह से ही ये कमरा मिला है। हां तो कौन सा एहसान किया, रेंट तो पे करता हूं ना। फिर इतना गुस्सा? अरे जो तेरी कदर करते हैं उनकी तो कदर। प्लीज मां, वो सब आप फिर से शुरू मत करो। तुम मेरी बात कभी सुनता ही नहीं, सभी तेरे दुश्मन नहीं। मां दरवाजे पर कोई है, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। आ जाओ परवीन। पर आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, सरप्राइज। मैं नहीं बताऊंगी इसमें क्या है। ठीक है। इसमें खीर है, खाओगे नहीं? अम्मी ने बनाई है। थैंक यू परवीन। आपको पता है मेरी फ्रेंड बीनी और मेरा झगड़ा हुआ था, तो अम्मी ने कहा कि समझदार है, वो सामने से दोस्ती करेगा। तो मैंने आज उसे फ्रेंडशिप का कार्ड दिया, तो उसने भी मुझे चॉकलेट दी। मेरी अम्मी हमेशा सही बोलती है। और पता है, हम फिर से दोस्त बन गए, और मैं ही समझदार हूँ। परवीन, अब मेरा सर दुख रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। मेरी अम्मी कहती है कि सर दुखे तो। परी प्लीज अब शुरू मत हो जा। आप मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो। आप प्लीज ड्राइंग में मेरी हेल्प करो ना, नेक्स्ट वीक मेरी कॉम्पिटिशन है और मुझे भी आपकी तरफ फर्स्ट आना है। परवीन अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ आउटलाइन बना दो ना, बाकी प्रैक्टिस मैं कर लूंगी। ठीक है, पर एक शर्त पर, तू अपना मुंह बंद रखेगी। हाफ डे है, पता है आज राजीव भैया ने मुझे चॉकलेट दी, वो मेरे लिए चॉकलेट लाना कभी नहीं भूलते। और पता है बीनी के यूनिफॉर्म पे नाश्ता गिर गया, तो रीटू हंसने लगी, तो मीरा ने कहा रीटू के ड्रेस में भी हम नाश्ता गिरा देंगे, और मैंने कहा इट फॉर डेट अच्छी बात नहीं है। सुबह उठा तो मुझे पता नहीं था कि ये इस धीरज का आखिरी दिन था। धीरज भैया, मैंने तेरी ड्राइंग्स कंप्लीट कर दी। हाँ ठीक है। आप ही? ये धीरज भैया है और यही मुझे ड्राइंग सिखाते हैं।
पैसों की मजबूरी थी जो मैं ये जॉब कर रहा था, वरना मैं सब कुछ दांव पे लगाकर आर्टिस्ट बन गया होता। वैसे एक नई कंपनी थी, उसी के कॉल लेटर का इंतज़ार था। कॉलेज के वक्त में मैं एक ही दिन में 7 रंगों से खेलता था और अब मैं 7 दिनों से एक ही रंग की फाइल लेकर बैठा हूँ। पता नहीं क्यों मैं ये दिन को रोकना चाहता था, पर मेरी मर्जी से अब तक हुआ ही क्या था। मैं तुमको सैलरी कैसे दे सकता हूँ? बोलो। अपने बहाने अपने पास रखो एंड गेट वर्किंग। आई एम नॉट सिटिंग हियर एंड डूइंग चैरिटी। किसलिए फोन किया? मुझे कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का, बस बॉस का एक मैसेज देना था तुझे कि कल तक अगर तूने तेरे टारगेट्स नहीं पूरे किए तो बॉस तेरी सैलरी आधी कर देंगे। क्या? छोड़, रहने दे। अबे ये अकल वाला काम है, तुझसे नहीं होगा। तू आर्टिस्ट है ना, कहीं जाके दीवार पेंट कर, एटलीस्ट वहां तो तुझे पूरी सैलरी मिले। तो जैसे मुझे एडवांस सैलरी मिलती है ना, मैं सबसे पहले बात करूंगा। क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें एडवांस सैलरी मैं किस बेसिस पे दूं? पूरी सैलरी मिलेगी, कहीं जाके दीवार पेंट कर। फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है और ना ही तुम्हारे फालतू ड्राइंग्स करने का टाइम है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ओके, आई एम सॉरी, पर मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज जाओ। कब ठीक होगा? चलो कार्टून देखते हैं, मजा आएगा। इतना सिंपल नहीं है, तुम नहीं समझोगी। मैं बहुत टेंशन में हूँ, सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। वो तो होगा ही ना, मेरी मम्मी कहती है गुस्से में जो काम करोगे वो गलत हो जाता है, और अब तो हमेशा गुस्से में होते हो। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। अब इस दादी अम्मा की भी सुनो, ऑफिस में बॉस गाली देता है, फिर खरीद ताने मारते हैं, फिर अधिका घर आओ तो बिल्स का भार मिलता है, अब तो सैलरी भी अधिक हो जाएगी। आई हेट दिस जॉब, आई हेट दिस लाइफ। गुस्सा तो आएगा ही ना, मेरा नसीब ही खराब है। मेरी अम्मी कहती है हर मुश्किल का रास्ता होता है, सिर्फ देखने की जरूरत है। अच्छा, अगर मेरी गरीबी की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूं? बोलो। मैं तो करती हूँ ना, और जो नहीं करता उन्हें भूल जाऊं। क्या? अरे जो तेरी कदर करते हैं उनकी तो कदर कर।
सभी तेरे दुश्मन नहीं है। मेरी मम्मी कहती है हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, और जो ये ना समझे उनकी तरफ ध्यान मत दो। और वैसे भी जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, है ना? पर मेरे काम का क्या? मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। पर ये तो गलत है। आप कितना अच्छा ड्राइंग करते हो। आपने मुझे जितनी भी ड्राइंग सिखाई उसमें मुझे A+ मिला है। अच्छा? वैसे भी मुझे आर्टिस्ट बनना था और मुझे मौका भी मिला था, पर मैंने वो मौका भी खो दिया। वो कैसे? ये नई जॉब के लिए मुझे अपनी सारी ड्राइंग्स देनी है और मेरे पास एक ही दिन का टाइम है। अगर मुझे जॉब मिल जाती तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मैं तो दे दो ना। नहीं दे सकता। एक दिन गुस्से में आके मैंने अपनी सारी ड्राइंग्स फेंक दी। अब क्या करूं? मैं अभी कहीं जा रहा हूं। मेरी मम्मी कहती है हर मुश्किल का रास्ता होता है। अरे जो तेरी कदर करते हैं उनकी तो कदर कर। मैं तो करती हूं ना। और वैसे जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, है ना? आपको ये चाहिए क्या? तुम्हारे पास? कैसे? मैंने तो इसे फेंक दिया था। मैं उस दिन भी आपको बुलाने आई थी पर आपने सुना ही नहीं। बस गुस्से में इसे डस्टबिन में फेंका और चले गए। मुझे आपकी ड्रिंक्स बहुत पसंद है इसीलिए मैंने ले ली। आपको जरूरत है तो आप ले सकते हो। थैंक यू करी। थैंक यू। अब मेरा काम बन गया। पता है मेरी कजिन बहन जो आज आई थी वो आपसे मिलना चाहती है। और पता है अगले हफ्ते मेरी बर्थडे पर वो मुझे कैडबरी सेलिब्रेशन देंगी। माँ ठीक कहती थी। मैं खुद ही अपनी गलतियाँ करता था और फिर नसीब पे दोष डालता था, पर अब नहीं। वैसे परी तुम्हारी कजिन क्यों मिलना चाहती थी? उनको आपकी ड्राइंग्स देखनी है सीखने के लिए। अच्छा तो तुमने उनका नाम क्या बताया? नाम तो बताया ही नहीं। हाँ तो बता ना। क्या लोगे? कैडबरी? नहीं, दो कैडबरीज। दो? बदमाश? फ्रूट्स एंड नट्स। अब ये तो ठीक है। ये उस धीरज का आखिरी दिन था और ये इस धीरज की नई शुरुआत है। और ये धीरज तो अपने सारे काम धीरज से ही करेगा।